अभी माशाल्लाह न्यू रेट जो है ना हुकूमत की तरफ से थोड़ी जो है ना कमी पेशी हुई है, जो कंपनियों ने हमारे को डिस्काउंट दिया जो हम कस्टमर्स को दे रहे हैं। ये अच्छा HP 160 है, HP 60 है, एक्साइड कंपनी की, ये डीप साइकिल बैटरी है। कंपनी ने इसका रेट यहाँ लिखा हुआ है बराबर में 11,788 रुपये, लेकिन हम ये 11,500 रुपये के यहाँ चला रहे थे। अब मजीद कमी पेशी करते हुए इसको 11,000 की रेंज में हम यहाँ सेल आउट कर रहे हैं। 80 का जो प्राइस है ये लिखा हुआ है 15,245 रुपये जो रिटेल है इसकी, ठीक है, ये इसकी कंपनी रेट है। इसके बाद टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट का, और इसके ये टोटल प्राइस बनते हैं 15,245 रुपये। सही, पर ये कि 14,500 रुपये के यहाँ चला रहे हैं। अगर आपके थ्रू कोई आता है उसको 14,300 के हम यहाँ सेल आउट करेंगे इसको। ऐसे 14,500 से कम की नहीं है ये, इधर जबरदस्त सही। अच्छा, दो पंखों पे आराम से 1.5-2 घंटे बेकअप देगी। अगर एक पंखा चलाते हैं 4-4.5 घंटे का बेकअप है इसका, ठीक हो गया। इसकी डीप 865, वो भी डीप साइकिल है, ये डीप साइकिल बैटरी है, प्योर डीप साइकिल है। ये मोटी प्लेटों में कंपनी बनाती है और बेहतर चीज है, परफॉर्मेंस इसकी लाजवाब है। सही सही। और 12 वोल्ट के जो 3 पंखे हैं उस पर हम ये देते हैं, 3 पंखों पे ये बैकअप देती है कम पेश 7-8 घंटे 12 वोल्ट पे। सही सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक बार फिर अदनान भाई की शॉप पे आए हुए हैं, यहाँ से इनसे मालूम करेंगे कि भाई जो है ना बैटरियों के रेट अब क्या चल रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं कि जो लेटेस्ट रेट्स होते हैं उसके मुताबिक हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद ये है कि एक तो आपको प्राइस अपडेट करेंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई जो है अगर आपने अदनान भाई आपको बताएंगे कि भाई आपने अगर अपनी बैटरी लेके जाते हैं तो उसको मेंटेन कैसे रखना है। बाद क्या होता है कि लोग लेके जाते हैं तो 6 महीने में ख़राब हो जाती है या उसको प्रॉपर चेकअप नहीं करते, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे अदनान भाई से। और दूसरा एक मशवरा मैं भी आपको दूंगा कि भाई जब आप बैटरी परचेज करने जा रहे हैं ना, अमूमन क्या होता है लोगों का जो शिकायत होती है, कोई लेके जाते हैं बैटरी फिर वो कहते हैं यार ये बैकअप नहीं दे रही, या फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती, तो उससे सबसे उसका सबसे अच्छा हल ये है कि भाई जब भी आप बैटरी खरीदने चाह रहे हैं तो आपको चाहिए बैकअप। बैकअप आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपना लोड नापे कि आपका लोड क्या है, आपने चलाना क्या है, फिर उसके बाद देखें कि आपके एरिया में लोड शेडिंग कितने देर की है, आपको कितना बैकअप चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से साइज़ की कितनी एम्पेयर की बैटरी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये चीज़ें जब आप सिलेक्ट करके बैटरी परचेज करेंगे तो ना आपको शिकायत होगी ना दुकान वाले को शिकायत होगी कि भाई हमारी बैटरी जो है ना बैकअप नहीं दे रही है, हमारा पूरा लोड नहीं चला रही। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में जानेंगे अदनान भाई से, और वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। रिजान भी आपको एक और बात इसमें गाइड करते चले सबसे पहले कि आपकी जो 12 वोल्ट की बैटरी है ना उस पर आप बैटरी तो अच्छी लगा लेते हैं और वायर भी अच्छा बैटरी भी अच्छी लगा देते हैं और चार्जर भी अच्छा लगा देते हैं, लेकिन मेन किरदार होता है तार का भी। क्योंकि आप 12 वोल्ट पे जो तार लगा रहे हैं ना, एक तो पंखे का तार अलग अलग जाएगा, यानी कि 2 पंखे लगे हुए दोनों का तार अलग अलग इसमें यूज होगा। सही है, एक ही तार पे दोनों पंखे नहीं चल सकते। सही है। दूसरी दूसरा पॉइंट ये कि अगर 12 वोल्ट का पंखा है तो उस पर आप तार यूज करें 110/76 का, मिलियंस का आता है, कॉपर में यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। उसमें आपका ये फायदा हुआ कि आपको जो है ना आपका पंखा कभी जो है ना लो बैकअप नहीं देगा या फिर चलते चलते गर्म नहीं होगा। ऐसा ही होस्टल में होता क्या है कि लोग घर पे जो तार पड़ी होती है ना वही चिपका वही चिपका देते हैं, उसमें ये है कि बैटरी बैकअप नहीं दे पाती, करंट प्रॉपर नहीं जो है ना पास कर पाती। बिल्कुल। तो तार भी जब आप सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे प्रॉपर जो है ना कॉपर में तार होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो उसका बैकअप पूरा मिले। तार का नंबर 110 करो तो ज्यादा बेहतर है, और अगर डिस्टेंस कम है जैसे कि 2-3 मीटर का है तो उसका आप 70/76 भी यूज कर सकते हैं। अदनान भाई आज क्या रेट अपडेट है हमारे व्यूअर्स के लिए, गाइड करेंगे भाई? एक तो सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी बताएंगे क्या रेट चल रहे हैं और क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है आपके पास। सर रेट आपके पहले वीडियो में हमने डाले हुए, और अभी माशाल्लाह न्यू रेट जो है ना हुकूमत की तरफ से थोड़ी जो है ना कमी पेशी हुई है, जो कंपनियों ने हमारे को डिस्काउंट दिया जो हम कस्टमर्स को दे रहे हैं। अच्छा, सही है। ये कि पहले जो जैसे कि आपकी HP 60 हमने दिखाई थी, इसका रेट था पहले 11,500 का चला रहे थे, 11,200 के आपके कस्टमर्स को जो आपके थ्रू आ रहे थे उन्हें हम दे रहे थे, लेकिन अभी ये कि उनके लिए 11,000 का रेट हम यहाँ चला रहे हैं। सही। अपनी मार्केट में अगर आपके थ्रू कोई आता है तो इंशाल्लाह उसको जो है 10,800 की फाइनली लगाते हैं। HP 60 वही जो आपको दिखाई थी पुरानी वीडियो में, डीप साइकिल बैटरी है, स्पेशल सोलर और UPS वाली, ठीक है। इसके अलावा और बड़ी बैटरी है, इनमें भी ज़्यादा फर्क आया जैसे कि 1,500 का, बाकी कि जैसे जैसे आगे फर्क आता रहेगा आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिर दिखाना शुरू करें, साथ साथ प्राइस भी गाइड करते जाएं। रिजवान भाई जैसे आप ये बैटरी इसको जानते हैं आप, ये HP 160 है, HP 60 है, एक्साइड कंपनी की, ये डीप साइकिल बैटरी है। कंपनी ने इसका रेट यहाँ लिखा हुआ है बराबर में 11,788 रुपये,
लेकिन हम ये 11,500 रुपए के यहाँ चला रहे थे। अब मजीद कमी पेशी करते हुए इसको 11,000 की रेंज में हम यहाँ सेल आउट कर रहे हैं। सही। और ये डीप साइकिल बैटरी स्पेशल सोलर यूपीएस के लिए, जिनका एक पंखा है उसके लिए बेहतरीन है। एक पंखा 12 वोल्ट का और 2-3 12 वोल्ट की लाइट है, आराम से 4-5 घंटे का इसका बैकअप होता है। फिर इसके ऊपर इसकी 80 वाली आती है HP 80, वो भी आपको दिखाते हैं। इसी तरह ये HP 80 है, ये 2 पंखों के हिसाब से होती है। एक पंखे पे 6-7 घंटे और 2 पंखों पे 3-3.5 घंटे का बैकअप देती है। ये 2 पंखों के हिसाब से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसकी एम्पेयर ज्यादा है, यहाँ 50 एम्पेयर इसके जेन्युइन दिए हुए। मॉडल इसका 80 है, सही है। इसका मॉडल नंबर 60 था, जेन्युइन एम्पेयर 36 थे, ठीक है, सही है। ये 2 पंखों के हिसाब से, और जिनको 2 पंखों पे ज्यादा बैकअप चाहिए फिर उनके लिए 110 आती है, ठीक है। इसका प्राइस 80 का जो प्राइस है ये लिखा हुआ है 15,245 रुपए जो रिटेल है इसकी, ठीक है। ये इसकी कंपनी रेट है, इसके बाद टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट का, और इसके ये टोटल प्राइस बनते हैं 15,245 रुपए। सही। पर ये कि 14,500 रुपए के यहाँ चला रहे हैं। अगर आपके थ्रू कोई आता है उसका 14,300 के हम यहाँ सेल आउट करेंगे इसको। ऐसे 14,500 से कम की नहीं है ये, इधर जबरदस्त। अच्छा, और इसमें आपकी 110 आती है, ये 2 पंखों पे 5 घंटे बैकअप देती है। 2 पंखे 3-4 लाइट है, ठीक है। इसका प्राइस इधर लिखा हुआ है, ये हम 18,000 की 17,500 की चला रहे थे फाइनल, ठीक है। ये 17,300 की आपको जो है आपके थ्रू जो कस्टमर आएंगे उनको लगा देंगे। 17,500 की वैसे हम यहाँ सेल आउट कर रहे हैं अपनी मार्केट। 70 एम्पेयर की है, व्यूअर्स आप देख लेंगे, इसको भी नोट कर लिया करें। जेन्युइन एम्पेयर इसके 70 है, मॉडल नंबर इसका HP 110 है, ठीक है। ये डीप साइकिल बैटरी है, इनका बैकअप परफॉर्मेंस अच्छा है, इसकी लाइफ अच्छी हो जाती है 12 वोल्ट पर, सही। इसके बाद इसके अलावा डायवो में आपको दिखा दें, डायवो में डीप साइकिल बैटरी है, 135 इसका मॉडल नंबर है, 100 एम्पेयर इसके जेन्युइन होते हैं, 220 के पंखों के हिसाब से बेहतर है, और 12 वोल्ट पे मजीद इसका बैकअप बढ़ जाएगा। जैसे कि 12 वोल्ट के आपके 3-4 पंखे होते हैं तो उस पर ये 3 घंटे आपको 4 घंटे बैकअप देती है, सही सही है। और 220 पे जाएंगे तो आपका 220 के 2 पंखे आराम से ये 1.5-2 घंटे बैकअप देगी इंशाल्लाह। बैकअप में कमी बताऊंगा ताकि ज़्यादा मिले तो कस्टमर खुश हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बैकअप बता दूँ और ना मिले वहाँ जो है ना प्रॉब्लम कार वगैरह का मसला होता है तो फिर कस्टमर नाराज होकर आता है, इसलिए हम लिमिटेड बैकअप भी बताएंगे जो हम हमारी बैटरी लाजमी देगी, सही है। सही। 2 पंखों पे आराम से 1.5-2 घंटे बैकअप देगी। अगर एक पंखा चलाते हैं 4-4.5 घंटे का बैकअप है इसका, ठीक हो गया। इसकी 1 साल वारंटी आती है, ये डीप साइकिल सीरीज है, DIP सीरीज है, सही सही है। इसमें DHP सीरीज आती है, कस्टमर यहाँ भी हमारा थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि उसमें 6 महीना वारंटी आती है, अच्छा सही है। वो बनाती है कंपनी गाड़ी के लिए, अच्छा हैवी व्हीकल के लिए, सही कंपनी बनाती है UPS के लिए, अच्छा ये UPS वाली बैटरी है, इसका मॉडल नंबर है DIB, सही है। यानी कि सोलर के लिए और UPS के लिए DIV और गाड़ी के लिए व्हीकल्स के लिए DHV, ठीक हो गया। ये DHV सीरीज जो है ये गाड़ी के लिए, जैसे बड़े ट्रक वगैरह होते हैं, बड़ी हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होती है, सही। डायवो की छोटी गाड़ियों के लिए ड्राई बैटरी आती है, जो कि आपके डायवो में 55-50 ये ड्राई बैटरियाँ होती हैं, ये घर पे नहीं लगती है, सिर्फ गाड़ियों पे लगती है। प्राइवेट गाड़ी जो कम यूज़ होती हो, जिस गाड़ी की रनिंग ज़्यादा है उस पर भी ये यूज़ नहीं होती, सही ठीक हो गया। इसके अलावा ये मिल्लत की आपको मैंने दिखाई थी, 55 सोलर, ये जनरेटर वाली बैटरी है, सही। इस पर आपका एक पंखा तकरीबन 1.5-2 घंटे चलता है, 12 वोल्ट का, सही है। ये उनके लिए जिन्होंने सिर्फ जो है ना जहाँ पे 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है, सही, और जिनका कम बजट है, लो बजट वाले जो लोग होते हैं, ठीक, उनके लिए कंपनी बैटरी बना रही है, विदाउट वारंटी होती है पर 1-1.5 साल आराम से निकाल देती है, सही। इसके अलावा नो प्लेट वाली बैटरी है, पहले हम ये लगाते थे, प्राइस बता दें सर, ये 6,800 की आपको पड़ी, 6.5 की दे देंगे फाइनल, सही। इसमें ये यूनिक कंपनी की बैटरी आ रही है, यूनिक कंपनी की 9 प्लेट है, ये गाड़ी के लिए होती है। अब जब तक एक्साइड ने वो बैटरी HP वाली नहीं बनाई थी तब तक हम ये सेल आउट कर रहे थे 12 वोल्ट पे भी, क्योंकि और कोई दूसरा हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट नहीं थी 12 वोल्ट के लिए स्पेशल। पर ये है कि अब उसको हम जो है ना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ये गाड़ी के लिए सिर्फ देते हैं, अगर जिसका लो बजट है तो वही लगा सकता है। ये 10,300 रुपये की आपको पड़ रही है, 10,000, वैसे इसका रेट भी 11,000 रुपये का, अच्छा सही है। इसके अलावा मिल्लत कंपनी बनाती है, ये मिल्लत की डीप 865, वो भी डीप साइकिल है, ये डीप साइकिल बैटरी है, प्योर डीप साइकिल है, ये आपकी आ रही है तकरीबन 19,500 रुपये के बजट में, 65 एम्पेयर, कितने 65 एम्पेयर जी, इसके जेन्युइन एम्पेयर यहाँ लिखे हैं, हाँ। ये आपकी जो है 2 पंखे 12 वोल्ट के आराम से 6-7 घंटे आपको बैकअप देती है, अच्छा। ये ओरिजिनल डीप साइकिल है, मिल्लत कंपनी की, मिल्लत कंपनी का नाम इतना नहीं है पर यह कि क्वालिटी है, इसकी प्लेटें बहुत ठीक हैं, आप दिखा सकते हैं कस्टमर्स को। ये मोटी प्लेटों में कंपनी बनाती है और बेहतर चीज़ है, परफॉर्मेंस इसकी लाजवाब है, सही। वारंटी इसकी वही 6 महीने आती है सारी बैटरियों की सिवाय डैब हो गई, ठीक है। इसके प्राइस क्या है?
सर इसके प्राइस 1950 रुपये की आपको पड़ रही है। वैसे इसका 20,000 का रेट है, लेकिन ये कि आपके रिजान भाई आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है तो इसको 19,000 की फाइनल लगा दें। सही, जबरदस्त। रिजान भाई आप इसमें देखें, जैसे कि आप नॉर्मल बैटरियों में एजिस ने अभी तक 12 वोल्ट की तरफ कोई जो है ना इसमें कदम नहीं उठाया। एजिस की वही नॉर्मल बैटरी आ रही है, इसके 100 मॉडल नंबर होता है, जिन्हें नंबर स्टार्ट होते हैं। ये नॉर्मल बैटरी गाड़ी के हिसाब से हम इसको घर पर चला रहे थे। काफ़ी लोग एजिस के पीछे भागते हैं कि एजिस का जो है ना नाम है, क्वालिटी है, ये सारी पुरानी बातें थी। अब एजिस का सिर्फ नाम है जो बिक रहा है, बाकी कंपनियों से महंगी पड़ रही है। जैसे कि इसकी बराबर आपको एक साइड में 70 एज मिल रहे हैं, एजिस दे रहा है 60 एज। सही, ये है कि ये उससे हल्की है क्वालिटी में, वजन में भी, और इससे बेहतर एक्साइड परफॉर्मेंस दे रही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, और इसमें एजिस का भी सिर्फ नाम की वजह से इसके रेट दूसरी कंपनियों से 500 रुपए ज्यादा हैं, ब्रांड की वजह से। सही है। अब एजिस का जो 100 वाली का रेट है, 60 एज का, ये आपका 17,800 की यहाँ चला रहे हैं, 17,500 की फाइनल हम दे देते हैं। सही है, ठीक है। इसके अलावा फिर इसी तरह हम एक्साइड में अगर आते हैं तो ये आपको 17,000 के बजट में आ जाती है, 70 एच वाली 11 प्लेट वाली बैटरी। सही, 100 मॉडल नंबर होता है और 70 एच होते हैं सर। इसी तरह पेयर ज्यादा है और पैसे भी कम है, पैसे भी कम है और क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। एक्साइड ने पहले अपना नाम थोड़ा खराब करा था, लेकिन ये कि अभी आके एक्साइड का नाम दोबारा ग्रो अप हो गया। इन्होंने बहुत अपनी क्वालिटी में बेहतरी करी है, बहुत ज्यादा बेहतरी करी है। सही। अभी इसमें आपका ये सोलर 110 आती है मिल्लत कंपनी की। सही। ये भी 12 वोल्ट वाली बैटरी है, थोड़ी सी जो है ना वो जो आप डीप साइकिल दिखाई है उससे थोड़ी सी लो क्वालिटी में, पर ये कि दो पंखों के लिए एक पंखे के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ये आपके दो पंखों पे 4-4.5 घंटे का बैकअप देती है। सही। ये आपकी जिनका लो बजट होता है जैसे कि 15,000 तक का, तो ये उनके लिए बैटरी है। 16,000 की मार्केट में चल रही है, 15,500 की हम ये यहाँ सेल कर रहे हैं। सही। इसी तरह ओसाका में आती है, इसमें फिर जो है ना ये 11 प्लेट वाली आती है, दो पंखों के हिसाब से होती है। इसके भी 72 एच है, लेकिन ये क्वालिटी वाइज थोड़ी एक्साइड से लो है। अच्छा। सही। इससे बेहतर है कि आप डीप साइकिल बैटरी की तरफ जाएं। अगर आपने गाड़ी पे नहीं लगानी, घर पे लगानी है तो डीप साइकिल लें, और अगर आपने घर में गाड़ी में यूज करनी है तो फिर आप ये नॉर्मल वाली लगाएं। सही, ठीक है जी। रिजवान भाई, दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग अपने घर पे बैटरी लगाते हैं तो वो अपने घर का लोड पहले कैलकुलेट करेंगे। अगर 12 वोल्ट के दो पंखे हैं तो उसके हिसाब से बैटरी लें। दो पंखों के हिसाब से अगर 5 घंटे बैकअप चाहिए तो 110 मॉडल वाली एचपी आती है एक्साइड कंपनी की, वो लगाएं। उस पर आपको 5 घंटे बैकअप मिलता है 2-4 फेवर के साथ। सही है, 12 वोल्ट का मैं ये लोड बता रहा हूँ। इसी तरह अगर आपका लोड ज़्यादा है, आप बड़ी बैटरी की तरफ जाएँ, और इसके बाद आपका अगर लोड 220 पे चले जाता है, जैसे आपने UPS पे इस्तेमाल करनी है, तो कम से कम एक पंखे के लिए DIB 110 आती है जो कि बेहतर है। एक पंखा उस पर तकरीबन 3.5-4 घंटे बैकअप देता है। फिर कस्टमर छोटी बैटरी लगा के दुकानदार को ये कंप्लेन करता है कि यार इसने तो बैकअप ही नहीं दिया, पहले ऐसे चल रही थी। तो देखो हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसको थोड़ा जो है ना मेंटेन रखना पड़ता है। अब ये कि आप अपने हिसाब से लगाएंगे छोटी बैटरी अपने बजट के हिसाब से, और लोड आपका ज़्यादा होगा तो आपको कंप्लेन आएगी लाजमी। जिस तरह ये भाई अभी रेडी कर रहे हैं, हमने एक 220 के पंखे के हिसाब से दिए। ये HP 150 मॉडल है इसका, 100 एम्पीयर जेनियन है। सही। ये आपकी 220 के एक पंखे पे 3.5-4 घंटे का हम बैकअप बताते हैं। वैसे 4.5-5 घंटे का इसका एक पंखा 2-4 फेवर पे बैकअप है 220 के। सही। और 12 वोल्ट के जो तीन पंखे हैं उस पर हम ये देते हैं, तीन पंखों पे ये बैकअप देती है कमों पेश 7-8 घंटे 12 वोल्ट पे। सही सही। इसको जरा जो है ना आपके व्यूवर्स गौर से सुने, क्योंकि मैंने 12 वोल्ट और 220 का अलग अलग बताया। सही सही, कंबाइंड ना कर लें उसको। अच्छा, इसी तरह HP सीरीज में बड़े बैटरी भी आते हैं जिनका ज्यादा लोड है। ये HP 250 आता है, ये आपका होता है तकरीबन 4-5 पंखों के हिसाब से, और नीचे 275 है, ये 5-6 पंखों के हिसाब से होता है, जिनको 3.5-3 घंटे तक का बैकअप चाहिए होता है। अच्छा। अगर बैकअप टाइम बढ़ाना है तो जैसे कि आपके तीन पंखे हैं और आपने बैकअप लेना है तकरीबन 5 घंटे, तो आप ये 250 का बैटरी लगाएं 220 पे, सही, तो आपको आराम से 5-6 घंटे बैकअप मिलेगा। कितने एंपियर की है? 250? 250 इसका मॉडल है, HP 250 जेनियन एंपियर इसके 180 है। ठीक हो गया। ये आपका इसका बजट तकरीबन 50,000 का इसका रेट है, या आपको फाइनल 48 की आपके कस्टमर्स को लगा देंगे। सही है। इसमें नीचे 275 है, 55,000 का इसका रिटेल है, बैटरी पर इससे ज़्यादा लिखे हुए, पर ये हम आपको 53 की आपको फाइनल लगा। रिजवान भाई, आपके जो व्यूवर्स हैं इनको ये भी बताते चले कि बैटरी को मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आप जहाँ से परचेज कर रहे हैं वो भी आपको बताएगा, और मैं भी आपको बता देता हूँ वीडियो में कि बैटरी को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट ये है कि आप उसके पानी का जो है ना ख्याल करें। पानी अगर आपका बैटरी आपकी बैटरी 15-20 दिन में पानी कम कर रही है तो आप उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालें। एक आता है बाहर से दुकान से टॉनिक मिलता है पैक बॉटल में, डिस्टिल्ड वाटर के लाता है, आप वो डालें, वरना फिर इसमें जो है एसी का रिटर्न वाला जो पानी होता है वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी डिस्टिल्ड वाटर होता है। अच्छा, इसमें पानी का मेंटेन रखेंगे वो मेन चीज़ है। बाकी कि चार्जर अपना नॉर्मल लगाएं, ओवर चार्जिंग ना हो, क्योंकि ओवर चार्जिंग होगी तो बैटरी आपकी साल के अंदर अंदर फूक जाएगी।
सही है। अगर बैटरी की लाइफ बढ़ानी है दो मेन चीजें हैं कि एक तो पानी मेंटेन रखें, दूसरा उसको चार्जर को ऑटोमेटिक लगाएं। सही है जी बोलो। एक ये भी होता है ना कि जब नई बैटरी लेके जाते हैं तो वो पहले तो छह महीने बिल्कुल पानी कम करती नहीं है, सही चलता रहता है जी। फिर उसके बाद जो पानी उसका एकदम खाली होना शुरू होता है तो फिर उसका वो बार बार डालना। हाँ, अच्छा उसमें ये होता है कि बैटरी जब नई नई होती है ना वो अपना पूरा बैकअप दे रही होती है, 6-8 महीने बाद जब बैटरी की प्लेटें कमजोर होना शुरू हो जाती है तो उसमें बैकअप थोड़ा ड्रॉप होता है। उसमें आप ये करें कि जहाँ से आपने बैटरी परचेज करी है वहाँ पे हर महीने जाके आप चेक करें, भले बैटरी ओके चल रही है पर चेकिंग लाजमी है। महीने डेढ़ महीने में जैसे आपको टाइम मिले लाजमी चले जाएं। 5 मिनट लगते हैं आपकी बैटरी की एहतियात है। अब वो आपको ये बताएगा कि बैटरी आपकी कम यूज़ हो रही है या ज़्यादा यूज हो रही है, इस चार्जिंग ज्यादा हो रही है कम हो रही है, वो बताता रहेगा। उसमें आपकी बैटरी की लाइफ मेंटेन रहेगी। सही है, क्योंकि आपको इसका तजुर्बा नहीं है, जो काम कर रहा है उससे ज्यादा तजुर्बा है। अच्छा, आपकी शॉप का एड्रेस क्या और नंबर जरा सा बता दें और टाइमिंग भी बता दें। सर पहले आ जाती है बात टाइमिंग की, हमारी दुकान की टाइमिंग है तकरीबन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की, ये गर्मियों की टाइमिंग है। सर्दियों में टाइम थोड़ा आधा 1 घंटा 2 घंटे ऊपर नीचे हो जाते हैं रात के टाइम के। सही है, सुबह का फिक्स है 9 बजे 10 बजे का टाइम है। इसके अलावा आप जो है सेल नंबर हमारा नोट कर लें, 03-1-03-11-23-55-058 ये हमारा जोंग का नंबर है। इसके अलावा टेलीनोर का भी हमारा नंबर है 03-422-85-777-6 ये हमारे दोनों नंबर हैं, दोनों ऑन रहते हैं 24 घंटे, मसला नहीं, कभी भी आपको कोई परेशानी हो आप कॉल कर लें। और शॉप का एड्रेस भी गाइड, शॉप का एड्रेस हमारा ये है कि आप औरंगी नाथी जंग पे हमारी शॉप है रियान बैटरी सर्विस के नाम से। आप गूगल पे भी हमारा नेट जो है ना एड्रेस सर्च कर सकते हैं, गूगल पे हमारा एड्रेस है रियान बैटरी सर्विस के नाम से। आप जैसे गूगल पे डालेंगे हमारा जो है ना मैप पर एड्रेस आ जाएगा इंशाल्लाह। चले ठीक होगा नानी, बहुत शुक्रिया।